नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। और न्यूज 18 इंडिया इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जो कल तस्वीर सामने आई परसों रात, कैसे निर्मम तरीके से एक नाबालिग की हत्या कर दी जाती है, चाहे शाहबाद डेयरी वो इलाका, वो स्पॉट जहां पर उस लड़की को मार दिया गया, या फिर इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं बवाना थाना, जहां पर उस आरोपी को एक बार फिर से लाया गया है, यहीं पर अब वो है। दो दिन तक चूंकि पुलिस को रिमांड मिल चुकी है, कोर्ट में रोहिणी कोर्ट में आज पेशी हुई, और उसके बाद अब जो तमाम किरदार पूरे मामले में निकलकर सामने आए हैं उनके बारे में तफ्तीश से जानकारी इस आरोपी से ली जाएगी। क्या इसका मकसद था, इसके साथ और कौन कौन शामिल था, ये जानने की पुलिस लगातार अब कोशिश कर रही है। कल रात से अभी तक भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और ताज्जुब ये है कि इस आरोपी में किसी भी बात की एक माथे पर शिकन नजर नहीं आती है कि उसने कोई अपराध किया है। वो अभी भी खुलकर अपना जुर्म कबूल कर रहा है पुलिस के आगे भी। बहरहाल आपको ये भी बताएं कि जब से ये घटना सामने आई है वो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, चौतरफा इस हमले की निंदा की जा रही है, हर किसी में बहुत ज्यादा गुस्सा भी नजर आ रहा है। अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जो मिली है वो भी आपको बता देते हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भी इसको लेकर बयान सामने आ चुका है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से कहा गया कि ये घटना सुनने के बाद मेरा खून खौल उठा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा ने साथ ही ये भी कहा है कि ये खबर देखने के बाद मेरा खून खौल गया। आप कट्टरवादी हैं, ये लोग हमसे कहते हैं कि हम विवादास्पद बयान देते हैं, लेकिन ये जो बहन बेटियों के साथ हो रहा है उसको देखकर खून खौलना चाहिए, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हमारे जीवन में अभी हम बालाघाट मध्य प्रदेश में कथा कर रहे थे, बांग्लादेश से एक बहन आती है जो मुसलमान धर्म से, उसने हमसे कहा कि हम सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं। हमने कहा डियर माय सिस्टर, मेरी बहन, आपको धर्म नहीं बदलना, आप उसी धर्म में रहिए, बस हमारे सनातन को बचाना। तो बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से क्या कुछ कहा गया ये तो आपने सुन लिया, लेकिन हम आपको बता दें कि न्यूज 18 इंडिया इस वक्त मौजूद है मृतका लड़की के घर के बाहर, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भीड़ भाड़ है। और मृतका लड़की के परिजनों से भी हमने बातचीत की थी, और यहां देखिए कि किस तरीके से माहौल खराब ना हो पैरा मिलिट्री फोर्सेज की भी तैनाती कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवान इस पूरे इलाके में तैनात कर दिए गए हैं, जिससे कि अगर सिचुएशन बिगड़े तो सिचुएशन को जल्द से जल्द संभाल लिया जाए। लेकिन तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हम आपको बताते हैं ये है कि जिस दिन यानी कि 28 मई की रात 9 बजे जब लड़की की हत्या की गई थी, तो लड़की की हत्या के वक्त एक शख्स मौजूद तो नहीं था, लेकिन उसी लड़की ने दावा किया जा रहा है कि मृतका को एम्बुलेंस में डाला था। उसका साफ तौर पर ये कहना है कि वो मौका वारदात पर तो मौजूद नहीं था, लेकिन अगर मौका वारदात पर मौजूद होता तो जाहिर तौर पर वो ऐसा नहीं होने देता, बीच बचाव करने की कोशिश करता। क्या कुछ उस लड़के की ओर से कहा गया है सुनाते हैं आपको। घटना से पहले मैं नहीं जानता था, मैं होता तो उस लड़की को मरने नहीं देता। ये जो और भी पब्लिक देख रही है, मैं तो उनको भी यही कहूँ, यहाँ पे ऐसा कोई हो ऐसे कभी और भी तो ऐसा होने मत दो, अगले को रोको, कुछ भी करो, चाहे उसको उस चीज को रोको वहीं पर ही। तस्वीरें देखते रहिए, और हम आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है, और उधर देखिए वो मृतका का घर है और वहाँ पर मृतका का परिवार भी मौजूद है, और लगातार इस खबर पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और पुलिस की ओर से दो दिन की रिमांड भी ले ली गई है। लेकिन इसी पर एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुई हत्या की जो वारदात थी उस केस में बड़ी खबर आ रही है। वारदात के वक्त आरोपी साहिल शराब के नशे में धुत था। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जलन की वजह से साहिल ने हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल बरामद कर लिया है, जबकि उसका अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। तो इस पूरे मामले में एक ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी साहिल को गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि आरोपी साहिल उस वक्त नशे में धुत था, और नशे में धुत होकर उसने मृतका की हत्या कर दी। लड़की के ऊपर एक के बाद ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए, और बताया ये जा रहा है कि जलन एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो लड़की थी वो जो साहिल है उसके लड़कीबाजी वाली आदतों से परेशान हो चुकी थी और पीछा छुड़ाना चाहती थी, और वो किसी और लड़की के संपर्क में थी, और यही वजह है कि वो जलन के मारे उसे
हत्या करने का उसने प्लान बनाया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है पूछताछ में वो ये कि जो लड़का था वो हत्या के वक्त नशे में धुत था। जी बिल्कुल, देखिए अंकिता, जो आरोपी साहिल था उसने इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पी और शराब के नशे में ही धुत होकर उसने जो हथियार उसने 15 दिन पहले खरीदा था मार्केट से पास के ही, उस धारदार चाकू से उसने लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ जो है वो कई वार किए, जिसके बाद महज 30 सेकंड के अंदर ही जो लड़की थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले में उसने ये भी बताया है कि वो किस तरह से एक तरीके से जलन महसूस कर रहा था कि जो लड़की थी उसने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया था और उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी, उस अनबन को लेकर भी उसके अंदर नाराजगी थी और उसमें ही उसने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है वो हत्या में इस्तेमाल जो वारदात में इस्तेमाल जो हथियार है उसे लगातार तलाशने की कोशिश कर रही है। रिठाला के जंगलों में और आसपास के जो खाली सुनसान जगह है वहां पर लगातार पुलिस की टीमें जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है ताकि हथियार बरामद किया जाए। ठीक है आनंद, आनंद बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो दर्शकों को बता दें, क्योंकि कल गिरफ्तारी के बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे क्योंकि साहिल जो आरोपी है वो हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में जो आपको ये बता दें कि कैसे कलावा बंधा हुआ था, रुद्राक्ष भी उसने पहना था, इसकी खबरें सामने आई थी, उसका भी खुलासा हो चुका है। उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि एक पीर बाबा के कहने पर उसने पहना था और जब उसे दिया गया था उस वक्त वो हरिद्वार में मौजूद था। अच्छा आपको ये भी बताएं कि एक एंगल इसमें ये भी देखा जा रहा था कि कहीं लड़की को बरगलाने के लिए उसने धर्म के नाम पर झूठ तो नहीं बोला, इसका खुलासा पहले ही हो चुका है। सोर्सेस ये भी बताते हैं कि वो लड़की जानती थी कि वो हिंदू धर्म से नहीं बल्कि दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है। अब जानकारी ये है कि एक पीर बाबा ने उसे कहा और उसके बाद उसने वो रुद्राक्ष पहना, उसके बाद उसने अपने हाथ में कलावा बांधा जो गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर में भी साफ साफ नजर आ रहा है। और इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद यही जो हिंस है, यही जो कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने के लिए पुलिस अब पूछताछ कर रही है और ये तमाम सवालिया निशान खड़े करते हैं। और सवालिया निशान इसलिए भी खड़े करते हैं क्योंकि साहिल हिंदू धर्म से नहीं बिलोंग करता था लेकिन उसके बावजूद रुद्राक्ष और कलावा कैसे उसके हाथ पर था, और यही सवाल जो है इसी को लेकर सियासत भी होती जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि सांसद हंसराज हंस यहां पहुंचे थे शाहबाद रेल के, हम उस इलाके में हैं जहां पर मृतका लड़की का परिवार ठीक इस जगह पर रहता है, और सांसद ने मृतका लड़की के परिवार वालों से बातचीत की और उन्हें ढांढस बंधाया कि जितनी संभव मदद हो सकेगी वो करने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिवली सांसद हंसराज हंस से बातचीत की है, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है सुनिए जरा। तो इस वक्त हमारे साथ सांसद हंसराज जी मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, दिल्ली में जिस तरीके से इस बेटी की निर्मम हत्या हुई है, पहला रिएक्शन सर आपका? वीडियो देख नहीं सकते इंसान, क्या दरिंदा भी ऐसा काम नहीं कर सकता, इतनी दर्दनाक वीडियो है और बहुत तकलीफ में है सब लोग, जो अहले औलाद हैं बच्चे वाले हैं हम लोग, तो बहुत बहुत तकलीफ दे है, बहुत ज्यादा। सर साहिल के हाथों में कलावा भी दिखाई दिया है तो क्या लगता है कि कोई लव जिहाद का एंगल भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ऐसे ड्रामा करते हैं ये लोग, ऐसे ढोंग करते हैं, पता नहीं क्या झूठ बोला होगा, बच्ची को इमोशनल किया होगा। ऐसे में सर बिटिया को कैसे न्याय दिलाया जाएगा? बिटिया को न्याय पुलिस प्रशासन लगा हुआ, हम सब लोग सब मिलके, मेरी आपके माध्यम से ये भी विनती है सोसाइटी को, आप वीडियो बनाने के चक्कर में रहते हो सब लोगों, आम लोगों, उस बंदे को पकड़ लेना चाहिए था, उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए था, लोग देखते रहते हैं, एक बंदा है, इतने लोग खड़े होते हैं गली में, एकदम घेर लेना चाहिए था उसको, बस लोग पता नहीं किस बात से घबरा जाते हैं, डरते हैं या पता नहीं क्या है।